नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सपोर्ट चैनल। और ये देखिए केएनएल का NF60 मॉडल। तो अभी मेरे पास जो पानी अवेलेबल है, मैं आपको दिखलाता हूँ उसका कितना TDS है। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें से ले लेते हैं ऐसे। मैं फिर से ऑन करके ऑफ करता हूँ, फिर से आप भी देख सकते हैं रियल में इसका TDS कितना है। आप खुद देख सकते हैं इसका TDS अभी कितना शो हो रहा है। चलिए अब आगे इसमें मैं नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन डाल करके आपको दिखलाता हूँ। और ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है, तो इसको मैं आपको यूज करके दिखलाता हूँ। सबसे पहले मैं इस मेम्ब्रेन हाउसिंग में, सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को मैं डालता हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें टेफ्लॉन भी लगा देता हूँ ताकि इसका जो ओरिंग है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा। और ज़्यादा टेफ्लॉन नहीं लगाएंगे, नहीं तो हो सकता है वो इजीली इंसर्ट नहीं हो अंदर में। हल्का सा हम टेफ्लॉन इसमें लगाते हैं, 4-5 बार मैक्सिमम। जनरली इस पर टेफ्लॉन टेप मारना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे वनट्रॉन ब्रांड का मेम्ब्रेन होता है उसका ओरिंग भी काफ़ी पतला आता है, जिसके कारण प्योर वाटर का TDS जल्दी कम नहीं हो पाता है। इसको अच्छा से इंसर्ट करेंगे, ये अंदर में पूरा अच्छा ढंग से बैठ जाना चाहिए। अब इसका जो कवर है मैं इसको टाइट कर देता हूँ। और फिर से मैं इसमें इसको क्लैंप में फंसा देता हूँ। और ये कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर से होकर के तब इस मेम्ब्रेन हाउसिंग में पानी इन होगा। सबसे पहले कूलर पंप के थ्रू इसका जो लेक्सप्योर का जो सेडिमेंट फिल्टर है उसमें पानी इन हुआ है, फिर आगे ये पानी पंप में गया है। और ये ग्रैंड फॉरेस्ट का 75 GPD का बूस्टर पंप है। फिर पंप के थ्रू ये इसका आउटलेट में मैंने एक प्रेशर गेज लगाया है, और इसके थ्रू कार्बन फिल्टर में आया है, फिर कार्बन फिल्टर के थ्रू मेम्ब्रेन हाउसिंग में आया है। इसमें मैं केफ्लो ब्रांड का 450 cc का फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगाया है, क्योंकि मैं इसमें 75 GPD का बूस्टर पंप यूज कर रहा हूँ। और 1.5 ampere का एकॉर्ड का मैंने SMPS से आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो अब इसको स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करने से पहले एक और काम करना ज़रूरी रहता है, और वो काम ये है कि इस मेम्ब्रेन को वॉश करना और इस सेडिमेंट कार्बन को वॉश करना। तो सेडिमेंट कार्बन को मैंने पहले से ही वॉश कर दिया है, तो इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और मेम्ब्रेन मैं आपके सामने इसमें डालकर दिखला रहा हूँ। तो इसको हम पावर ऑन करते हैं, कूलर पंप का और बूस्टर पंप का दोनों, और इससे पानी आना शुरू हो जाएगा। और जब मेम्ब्रेन हाउसिंग ड्राई होता है, और मेम्ब्रेन ड्राई होता है तो पानी आने में थोड़ा टाइम लगता है। और देखिए ये पानी आना शुरू हो गया है। थोड़ा देर चलने के बाद तब मैं इसमें फ्लो रेस्ट्रिक्टर डालूँगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ा बहुत ये वॉश हो गया है, टाइम को किल नहीं करते हुए हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से हम पावर को ऑफ कर देते हैं, और इसमें जैसे फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगा हुआ था वैसे मैं इसमें फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगा देता हूँ। और ये रहा 450 cc का केफ्लो ब्रांड का फ्लो रेस्ट्रिक्टर, और अब इससे जो पानी आएगा वो थोड़ा पहले से स्लो आएगा, क्योंकि फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगने के बाद पानी स्लो आता है। तो इसको मैं इस इधर एक स्टोरेज टैंक है मैं इसमें डाल दिया, और अब मैं इसमें पावर देता हूँ। फिर से पाइप को निकाल करके फिर इसका मैं TDS मेजर कर लेता हूँ।
अब देखिए इसका स्पीड कितना मस्त आ रहा है, काफ़ी अच्छा खासा स्पीड है इसका प्योर वाटर का। 100 GPD का यदि आप मेम्ब्रेन यूज करेंगे तो ऐसा ही फ्लो आएगा। और अब मैं आपको दिखलाता हूँ इससे जो TDS आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसके लिए मैं TDS मीटर को ऑन कर लेता हूँ और फिर मैं इसमें आपको डालकर दिखलाता हूँ। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।